हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक द वर्किंग ऑफ हार्ट, है ना। क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखिए, हार्ट के हम वर्किंग देखेंगे आज। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट होता है डिवाइडेड टू फोर चैम्बर्स, ठीक है। फोर चैम्बर में डिवाइड होता है, लेफ्ट पार्ट होता है और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें दो चैम्बर होते हैं और राइट वाले में यहाँ पर भी जो होते हैं वो दो चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर हम इधर वाले की बात कर रहे हैं तो ये राइट वाला है। हम इस तरह से जब खड़े रहेंगे तो ये हमारा राइट वाला पोजिशन होगा और ये वाला लेफ्ट वाला होगा। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है ना। ये ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आता है वेन कावा द्वारा, है ना। वेन कावा जो होती है ये सबसे बड़ी वेन होती है ना, इसलिए इसको वेन कावा है। ये वेन कावा आता है और जो राइट एट्रियम होता है ना, ऑरिकल भी कहते हैं इसको, राइट एट्रियम में ये पहुंचता है। फिर राइट एट्रियम से कहां जाता है, ये राइट एट्रियम से फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। और कैसे जाता है, इन दोनों के बीच में जो होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है ना, ट्रिस्क्यूपॉइड वॉल, मतलब तीन लेयर वाला वॉल होता है, उसी के द्वारा ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में। चलिए अब बात करते हैं हम लेफ्ट वाले की। तो लेफ्ट वाले में क्या होता है, लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड आता है। लेफ्ट वाले में क्या होता है, प्योर ब्लड आता है। लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड आता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये जैसे ही प्योर ब्लड आया तो ये भी क्या करता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर देता है। और इन दोनों के बीच में जो होता है वो बाइस क्यूपाइड वॉल होता है, मतलब एक वॉल होता है जो कि दो लेयर से मिलकर बना होता है। इनके बीच में तीन लेयर वाला होता है और उनके बीच में दो लेयर वाला वॉल होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम जो अब प्योर ब्लड जैसे आया लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो ये क्या कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको जो ओर्टा होता है, इस ओर्टा को सेंड कर देता है, है ना। ये सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, तो ओर्टा से क्या होता है, ओर्टा से ये बहुत सारी आर्टरीज द्वारा ये हमारे पूरे बॉडी में क्या हो जाती है, ये पूरे बॉडी में ये फील होने लगती है, भरने लगती है, पहुंचने लगती है, ठीक है। तो राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो राइट वेंट्रिकल्स होता है, इस राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है इसमें। तो ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जो प्लमोनरी आर्टरी होती है, तो प्लमोनरी आर्टरी को ये सेंड कर देता है, और प्लमोनरी आर्टरी क्या करती है, उसको लंग्स को सेंड कर देती है, इसके लिए प्यूरिफिकेशन के लिए। आगे देखते हैं हम, जिस समय जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है ना, तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, सबसे पहले पूरा फिल हो जाता है ब्लड से, और ब्लड से फिल होने के बाद में ये क्या करता है, इसमें ये पुश होने लगता है ना, ये पुश होने लगता है, कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है इसका, है ना, मतलब सिकुड़ना, ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने से क्या होगा, जो ब्लड होता है वो ब्लड आगे की ओर जाने लगता है ना। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इस तरह से होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जब ये पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है तो ये अपने आप को सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने से प्रेशर बनता है, ये ब्लड को पुश करता है, और पुश करने के बाद में ये ब्लड को कहाँ भेज देता है, ओर्टा में भेज देता है, और ओर्टा से फिर क्या होता है, बहुत सारी जो आर्टरीज होती है, ये आर्टरीज द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ये फैलने लगता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड होता है, वो इम्प्योर ब्लड जो होता है वेन कावा द्वारा हमारे जो हार्ट होता है उसके राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम से कहां पहुंचता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ये ट्राई क्यूस्पाइड वॉल द्वारा, एक वॉल होता है जिसमें तीन लेयर से बना होता है, ये लेयर खुलते हैं और ये ब्लड यहां पर पहुंच जाता है। चलिए उसके बाद में फिर इस ओर आते हैं हम, यहाँ पर भी जो प्योर ब्लड होता है वो प्लमोनरी वेन्स द्वारा पहुंचता है। प्लमोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ट्यूस क्यूबॉइड, मतलब यहाँ पर दो लेयर वाले वॉल होता है वो खुलता है और ये
ब्लड पहुंचता है, उसके बाद में लेफ्ट राइट का भी हो गया हमारा और लेफ्ट का भी हो गया। चलिए बात करते हैं राइट वेंट्रिकल में फिर से जो ब्लड होता है ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल इसको पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इसको इसको लंग्स को सेंड कर देती है प्यूरिफिकेशन के लिए। चलिए यहां पर हो गया, उसके बाद बात करते हैं हम राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, है ना। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, जो ब्लड होता है जैसे ही पूरी तरह से ये भर जाता है तो उसके बाद में ये क्या होता है, ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने से ये ब्लड को क्या करता है, पुश कर देता है, है ना। और जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा फिर से लंग्स को भेज दिया जाता है। फिर से बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, जब ये पूरी तरह से भर जाता है, भरने के बाद में क्या होता है, ये सिकुड़ने लगता है, है ना, कॉन्ट्रेक्शन होता है इसका, और कॉन्ट्रेक्शन के बाद में ये आगे की ओर पुश करते हैं ब्लड को। आगे को पुश करने के बाद कहां पहुंच जाता है, ये ऑर्टा में, और ऑर्टा क्या कर देता है फिर इसको, ऑर्टा जो होता है वो पूरे बॉडी में इसको आर्टरीज के द्वारा क्या कर देता है, सेंड कर देता है। तो इस तरह से हमारे जो शरीर में जो ब्लड का जो सप्लायर्स होता है, जो प्योर ब्लड लेकर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, वो आर्टरीज होती है, और जो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वापस लेने वाली, वापस लेकर हार्ट को देने वाली वो होती है हमारी वेंस। तो इस तरह देखेंगे हम द वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। इसका जो आंसर है आपको सेंड कर देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।